नमस्कार, सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको लेकर के आ रहे हैं लेटेस्ट पोजीशन हरियाणा की, जहां पे आज सुबह से पोलिंग शुरू हो गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है। 2014 से वहां पे कांग्रेस को पावर में आने का मौका नहीं मिला है और इस बार जिस तरीके की स्थिति बन रही है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत हावी है पार्टी पे और ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का दिन है। और आज कितना साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सितारे सुधार नहीं पाई है, उनके सितारे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। और हरियाणा मेरा ख्याल एक और बड़ा भारी, क्योंकि हरियाणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, दिल्ली से लगा हुआ है। हालांकि 90 सीट्स हैं, कुल 90 सीट्स हैं, लेकिन बड़ा मान्य रखता है हरियाणा, क्योंकि वो देश की राजनीति में हरियाणा का बड़ा सिग्निफिकेंस रहा है हमेशा से। इसलिए आज जो है वहां फैसला होने जा रहा है, लगभग 1100 लोगों का जो चुनाव में उतरे हैं, लेकिन उसमें से 101 महिलाएं भी हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका नहीं है, ये असली में जो दो मेन पार्टीज हैं इस देश की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक कंटेस्ट। और इसमें किस तरीके की, अभी पिछले 3 घंटे में जो पोलिंग की रिपोर्ट्स आई हैं वो लगभग 20% होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो इससे जाहिर होता है कि टोटल लोग निकल के अच्छी तादाद में लोग आएंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए हरियाणा के जाने माने बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे जगदीप सिंह संधू हैं। स्वागत है संधू साहब आपका। क्या लग रहा है और क्या खबरें आ रही हैं, कैसा माहौल है? शरद साहब, जो अभी तक की खबरें और जानकारियां आ रही हैं, हरियाणा में पोलिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तक के जो सुबह के घंटे हैं उनकी पोलिंग परसेंटेज अभी जो आई है तो लगभग 20% के आसपास लग रहा है कि एवरेज 20% है। हालांकि कुछ जिलों में पोलिंग परसेंटेज 24% तक गया है, कुछ में अभी 17-18% ही है। लेकिन हाँ, ये लग रहा है कि अब के काफी संख्या में लोग आके मतदान करने वाले हैं और ये मतदान स्पष्ट रूप से असंतोष जो है लोगों का, उसका मतदान देखा जा रहा है। और ये लग रहा है कि अब के जो विरोध है और सत्ता से बेदखल करने का जो लोगों का मंशा है उसमें मतदान हो रहा है। और ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि मतदान शाम तक या अब की बार, पिछली बार 68.20% मतदान हुआ था, तो अब के ये ऐसा महसूस किया जा रहा है कि मतदान शायद ज्यादा होगा। और जो आंकड़े अभी तक 11 बजे तक आए हैं, इनमें जो मतदान की संख्या आ रही है उसको अगर हम अगर मल्टीप्लाई करें या समय के अनुमान के अनुसार, जब तक शाम के 6 बजे मतदान समाप्त होगा, बंद होगा, तब तक मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में मतदान हरियाणा में होने की संभावना है, जो हो सकता है कि 3-4% बढ़ भी जाए। ये माना जाता है कि जब वोटिंग, ये माना जाता है आमतौर पे सभी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कि जब ज्यादा तादाद में वोटिंग होती है, अच्छे नंबर्स की वोटिंग होती है, तो वो इंडिकेशन होता है पावर में जो है उसके खिलाफ, उसको हटाने के लिए वोट होता है। और जैसा आपने पहले भी कहा था कि यहाँ पर वोट कांग्रेस को जिताने के लिए नहीं है, बीजेपी को हराने के लिए दिखता है। तो ये मूड जमीन पे भी दिख रहा है, ये मूड आज के दिन जब लोग वोट डालने निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि ऐसा लोगों का मंतव्य जो है वो स्पष्ट होता दिख रहा है। और दिन में 2 बजे के आसपास जब फिर से आंकड़े आएंगे तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि लोग किस पक्ष में जाके खड़े हो रहे हैं और किस प्रकार का मतदान हो रहा है। ये क्योंकि ये तय है कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 1 महीने में जो हमने धरातल पे, जमीन पे जो स्थितियां देखी हैं, उसमें जो मतदाताओं से हमारी बात हुई अलग अलग विधानसभाओं में, 90 के 90 विधानसभाओं में हमने घूम के देखा, वहां जिस तरह से प्रतिक्रियाएं लोगों की थी, तो उसमें स्पष्ट लग रहा था कि अब के बार जो मतदान होने वाला है वो मतदान भारतीय जनता पार्टी
के जो 10 साल के शासन है उसके विपरीत होगा, उसके विरुद्ध होने वाला है। और अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है, जो वोटिंग पैटर्न है, वो इंडिकेट कर रहे हैं, वो एक संकेत दे रहे हैं कि मतदान की जो प्रतिशत है शाम तक जितना ज्यादा बढ़ेगा वो उसी तरह से उसको अगर ट्रांसलेट किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा, तो लग सकता है या संभावना है कि ये मतदान भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाएगा, उसके खिलाफ रहेगा। और लोगों ने, क्योंकि चुनाव अब की बार आप देखिए कि जनता लड़ रही है और जनता का चुनाव सीधा सीधा सा वर्तमान सत्ता के विरुद्ध है, तो इसको शाम होते होते हम डिकोड कर पाएंगे और उसके बाद ये पता लग जाएगा। और शाम के 6 बजे के बाद जब एग्जिट पोल आएंगे तो उसमें और भी स्थिति साफ हो जाएगी कि किस प्रकार का मतदान हुआ है और मतदान का जो पैटर्न है उससे क्या संकेत उभर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल्स का तो कुछ भरोसा नहीं रहता। पिछली बार आपने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरह से सारे एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही जबरदस्त बहुमत, और उसके बाद जो रिजल्ट आया बिल्कुल उल्टा, भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेजोरिटी तक नहीं मिली। तो इस आजकल तो आप तो बेहतर जानते हैं, हमसे भी बेहतर समझते हैं कि किस तरह से स्पॉन्सर आजकल एग्जिट पोल भी मैनिपुलेट कर लिए जाते हैं। हाँ, यहाँ जो एग्जिट पोल के बारे में कहा जा सकता है कि जो धरातल के जितने भी जो रिपोर्टर्स हैं, जब वो कभी अलग अलग चैनल्स में बैठेंगे, उनकी जो समीक्षा रहेगी उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको डिकोड करके किस प्रकार के संकेत और संदेश निकाल सकते हैं। जो एग्जिट पोल एजेंसीज करती हैं, उन एजेंसीज के एग्जिट पोल पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा ही बहुत गलत साबित होते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन जो एग्जिट पोल में जो किए जाएंगे और उनकी समीक्षा में जब पत्रकारों की जो प्रतिक्रिया होंगी, उनके जो इनपुट्स होंगे, उसके आधार पे ये समझा जा सकता है कि चुनाव की दिशा क्या होने वाली है, परिणाम की दिशा क्या होने वाली है। मैं ये कह रहा था कि जो एग्जिट पोल का भरोसा नहीं किया जा सकता, हाँ, एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अक्सर एग्जिट पोल जो एजेंसी कराती है वो गलत ही साबित हुए हैं, लेकिन आज शाम को जब उन एग्जिट पोल पे जब समीक्षा अलग अलग चैनल्स पे होगी और उसमें जो ग्राउंड के रिपोर्टर्स अपने इनपुट्स देंगे, अपनी जानकारियां प्रस्तुत करेंगे, उनके आधार पे हम ये आकलन कर सकते हैं कि चुनाव के परिणाम किस दिशा में जाने वाले हैं। मेरा ये कहना था इस बारे में, एग्जिट पोल एज सच जो एजेंसी करवाती है वो तो पहले भी गलत साबित होते रहे हैं। तो हम अगर आज की बात करें तो आज जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं वो जो वोटिंग पैटर्न के बारे में जो खबरें देंगे ग्राउंड से, उससे पता लगेगा, उससे ये आभास हो सकता है कि चुनाव की दिशा किस तरफ जा रही है और लोगों का जो प्रेफरेंसेस हैं वो कैसी प्रेफरेंसेस सामने आई हैं और किस किस वर्ग की ऐसी प्रेफरेंसेस सामने आई। ये सब साहब एक चीज समझना चाहते हैं और दर्शकों को भी बताना चाहते हैं, कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोगों में इतनी नाराजगी हो गई भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पे बहुत उम्मीद कर रही थी और लोकसभा में भी बहुत ट्राई किया राम मंदिर के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान को भिड़वा करके ये सब चीजें, तो ये क्या स्ट्रैटेजी बिल्कुल फेल कर गई है। देखिए शरण जी, जहां तक हरियाणा प्रदेश का सवाल है या पंजाब प्रदेश का सवाल है, यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण संभव नहीं है क्योंकि यहाँ जिस प्रकार का अन्य जातियों का या अन्य एक विशेष वर्ग के नाम पे जो ध्रुवीकरण होता है उसकी संख्या यहाँ नगण्य है, यानी कि मुस्लिम। और हरियाणा में जो ध्रुवीकरण हुआ है वो, और या पंजाब में जो ध्रुवीकरण हो सकता है वो सामाजिक ध्रुवीकरण का आधार यहाँ बन सकता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है कि अगड़ी जातियां जो अन्य प्रदेशों में जो किसान वर्ग है या अगड़ी जातियां हैं या जो जो संपन्न वर्ग है या जो मेहनतकश वर्ग है उसके साथ अन्य वर्गों को खड़ा करके उनके सामने, और उस प्रकार से वो अपनी रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बनाया था पिछले 2014 में, जाट वर्सेस अन्य जातियां किया गया था, और वो जो सामाजिक ध्रुवीकरण था वो जो बात एक रही वो 2019 आते आते बहुत कम कमजोर पड़ गई थी और 2024 में आप ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और सामाजिक संरचना के हिसाब से अगर हरियाणा के प्रदेश की बात करें तो यहाँ
समाज में भाईचारे का सिद्धांत जिसको तोड़ने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो पुनः स्थापित हो चुका है। और ग्रामीण समाज में, ग्रामीण आंचल में अगर हम कहें तो हर जगह ये पाया गया है। और लोकसभा चुनाव में ये साबित हो गया था कि जो अन्य पार्ट जातियां हैं उन्होंने भी अब कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान किया है। और अब विधानसभा के चुनाव में ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं और जो पिछड़ा वर्ग हैं वो भी जो पहले कांग्रेस से छिटक गए थे 2014 के आसपास और सामाजिक ध्रुवीकरण के चलते, वो वापस कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने लगे हैं। और जो एक तरह का विभाजन था समाज में वो खत्म हो गया है। और हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भगवाकरण करने की कोशिश की उसको प्रदेश ने पूरी तरह नकार दिया है। ये एक बड़ा संदेश हरियाणा के चुनाव से निकल रहा है। और दूसरा बड़ा संदेश हरियाणा के चुनाव से निकल रहा है कि जो सामाजिक भाईचारे का सिद्धांत है उसको किसी भी हालत में हरियाणा टूटने नहीं देगा, ये भी उसका संदेश इस चुनाव से निकल रहा है। ये बहुत 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 बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो देखिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जो मशहूर बाबा हैं राम रहीम, उनको पता नहीं, दोनों राम और रहीम दोनों का नाम बदनाम करते हैं वो, और वो उनको लेकर के उनको बार बार जिस तरीके से पैरोल दिला करके और ला ला करके चुनाव में भी खड़ा किया गया, खट्टर साहब के बगल में बैठे हुए भी दिख रहे हैं वो कुछ फोटुओं में, उनका कोई असर हो पाया इस? देखिए, ये गुरमीत सिंह एक जघन्य अपराधी है और सजा याफ्ता मुजरिम है, और जिस तरह के अपराध इसने समाज में किए हैं उन अपराध वो अक्षम्य है, और उसके उन अपराधों के तहत अब इसको कोई भी ऐसी पदवी जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है वो देना बेकार है। ये गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम है और उर्फ राम रहीम है, और ये जो इसका पाखंड है वो पाखंड भी सामने उजागर हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि इसका जो प्रभाव है, इसके जो अनुयायी हैं अभी भी, वो अनुयायी सिरसा जिला, हिसार जिला, फतेहाबाद जिला में 6-7 सीटों पे अगर कहें तो उनकी थोड़ी बहुत भूमिका हो सकती है। और उस तरह के प्रभाव पैदा करने की, उस तरह के प्रभाव से लाभ उठाने की भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो सामने आ गई। क्योंकि बार बार चुनाव से पहले आप देखिएगा कि पिछले 4 साल में करीब 11 से 14 बार इसको परोल और फरलो दी गई, और अक्सर वो चुनाव के अवसरों पे उनसे ठीक पहले दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रभाव पैदा करने की कोशिश जो समाज में की जा रही है, तो समाज में अन्य वर्ग भी इस बात को समझते हैं कि किस तरह से जो ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, मुझे लगता है कि उस तरह का नकार दिया गया है कुल मिला के। क्योंकि जो सामाजिक वर्ग हैं उनमें जितने भी अलग अलग जातियों के सामूहिकता का जो बोध है वो दोबारा से स्थापित हो चुका है, और जो धर्म और धार्मिकता की जिस तरह की भी बातें या जो भी ऐसे प्रयोजन है या आयोजन है या वो जो प्रभाव पैदा करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है वो हरियाणा में बिल्कुल भी सफल होती दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये बात साफ है कि हरियाणा के लोग जो है इस तरीके की हरकतों से इम्प्रेस नहीं होते हैं कि आपने एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो मोरालिटी नाम की चीज ही नहीं है, जिसने घिनौने अपराध किए हैं और जिस तरह महिलाओं के साथ जो या एक तरफ भारतीय जनता पार्टी करती बात करती है महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं को सुरक्षा देना, दूसरे तरफ गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम जैसे लोगों को जिनके की सारे कारनामे उजागर हो चुके हैं उनको इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसा ही आपने एक और भी मामला जो है आपके प्रदेश से कनेक्टेड है वो है यूपी के भारतीय जनता पार्टी के एमपी बृजभूषण शरण सिंह, जो माफिया होने के अतिरिक्त फिर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, और उस हैसियत से उन्होंने हरियाणा की वो महिला रेसलर्स जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया ओलंपिक में मेडल जीत करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मोलेस्टेशन किया, और जो है उसके बाद ये बड़ा अच्छा है कि उनमें से एक विनेश फोगट जिन्होंने सबसे आगे बढ़ करके मोर्चा लिया था उनको भारतीय जनता पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं मिला बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया सरकार द्वारा भी, वो भी इलेक्शन में खड़ी हैं। तो उनके अलावा उनकी अपनी सीट के आसपास के भी लोगों पे इस बात का असर होता है कि भारतीय जनता पार्टी दो मुंह ही बात करती है, एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करती है और वहीं पे
उनके पार्टी के लोग जो महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को बुरी नजर से देखते हैं, बुरी हरकतें करते हैं, उनको सपोर्ट करती है। प्रधानमंत्री शरद जी, ये कह सकते हैं कि विनेश फोगाट का संघर्ष जो है वो महिलाओं में आत्म सम्मान और जो न्याय है, महिलाओं के लिए न्याय और आत्म सम्मान का प्रतीक के रूप में विनेश फोगाट उभरी है उस संघर्ष में, और भारतीय जनता पार्टी का जो कथित तौर पे महिलाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान का जो जुमला है उसको उन्होंने ध्वस्त किया है, और उस चीज का जो असलियत है वो भारतीय जनता पार्टी की सामने आ गई इस आंदोलन के बाद। और जहां तक हरियाणा के सवाल है, हरियाणा में बहन बेटी और माँ को साझा माना जाता है, हरियाणा के सामाजिक सिद्धांत को समझने में, हरियाणा की तस्वीर को समझने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल रही है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस एक तरह के माफिया को, एक तरह के ऐसे व्यक्ति को समर्थन किया विनेश फोगाट के विपरीत, और उनके उनको न्याय नहीं मिला, तो ये एक बड़ा फिनोमिना, ये एक बड़ा ऐसा कारक है हरियाणा के चुनाव में जो निश्चित तौर पे आधी आबादी को प्रभावित करने वाला है, और उनके जो इमेजिनेशन, पीपल इमेजिनेशन जो कहते हैं, या जो सामाजिक चेतना है या सामाजिक बोध है उसको अगर बात करें तो वहाँ निश्चित तौर पे एक बड़ा प्रभाव वो डालेंगे, और उसका परिणाम अभी चुनाव के दिन, नतीजे जिस दिन आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी को पता लगेगा बिल्कुल किस प्रकार से असंवेदनशील कार्य करना, असंवेदनशीलता का उपयोग करना और एक बड़ी आबादी के लिए वो किस तरह से घातक होता है, और जितनी बातें वो समाज के लिए करते हैं और जो उनकी बात करने में और काम करने में, कर्म और वचन में जो अंतर है वो इस चुनाव के अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उसका इतना बड़ा गैप जो है वो दिखाई देता है। जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में पूरी बात कह दी है। जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है वो हरियाणा के वोटरों को दिख रहा है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स की दो मुंह बातें, कथनी और करनी में कितना फर्क है, आपने जो इन दो शब्दों में सारी बात कह दी वो उजागर होकर सामने आ चुका है। और आज जब हरियाणा के 2 करोड़ वोटर्स, 2 करोड़ से ज्यादा अधिक वोटर्स तय करने जा रहे हैं हरियाणा का भविष्य, तो उसमें ये बात साफ दिखने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी का सितारा डूबता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे शाम तक, आज वोटिंग 6 बजे तक पूरी वोटिंग हो जाएगी, फिलहाल जो स्थिति है वो यही दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे दिन आ चुके हैं। वो वादा करते थे लोग देश के लिए अच्छे दिन लाने के, लेकिन उनके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, देश के लिए तो ला नहीं पाए, और अपने बुरे दिन देखना अब वो शुरू करेंगे। संधू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।